अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मटन यखनी पुलाव। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सबसे पहले मैं देखिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप तेल। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैं फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए। लहसुन अदरक को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें जाएगा 1 किलो मटन। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लूँगी लहसुन अदरक के पेस्ट में। भुनाई के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है दालचीनी की 2 स्टिक्स, 2 बादियान के फूल, 2 इसमें जाएंगी छोटी इलायची और बड़ी इलायची, 6 से 8 लौंग और 1-1 टीस्पून सौंफ, ज़ीरा, धनिया और काली मिर्चें। अब इसमें इन तमाम मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको मैंने ऐसे ही रफली काट दिया था। अगर आप प्याज के 2 टुकड़े करके भी डालेंगे तो वो भी इसमें अच्छे से गल जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि आगे जब चावल जाएंगे तो मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी। अब यहाँ पे इसमें जाएंगे 6 से 8 ग्लास पानी के। पानी डाल देने के बाद अब यहाँ पे वेट करेंगे ताकि इसमें एक बॉईल आ जाए। बॉईल आ जाने के बाद मैं इसको ढक के पकाऊँगी 1 घंटे तक या जब तक गोश्त अच्छे से गल जाए। एक घंटे बाद गोश्त अच्छे से गल गया है तो अब मैं यखनी और गोश्त को अलहदा कर दूंगी छान के। अब इसी सेम देगची में मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। अब इसमें जाएगी 1 बड़ी प्याज स्लाइस में कटी हुई। अगर आपके पास बड़ी प्याज नहीं है तो आप 2 छोटी प्याज डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई करूँगी जब तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज के गोल्डन फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ मटन जो हमने पहले अलहदा करके रखा था। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर मीडियम साइज़ के। 1 कप इसमें जाएगी दही। दही के बाद अब इसमें जाएंगी 2 हरी मिर्चें। दो टेबल स्पून इसमें जाएंगे यखनी पुलाव मसाला के, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। अब इसमें डालेंगे यखनी जो कि हमने पहले छान के रखी थी। यखनी डालकर वेट करेंगी जब तक कि इसमें एक उबाल आ जाए। उबाल आ जाने के बाद यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप चावल। चावल मैंने पहले ही अच्छे से धो के 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखे थे। अब चावल डाल देने के बाद इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो जाए। यहाँ पे इसका पानी खुश्क हो चुका है तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद पुलाव बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो फिर तो लाजमी बनता है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।